हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम के अंदर अलग अलग वाउचर्स के बारे में बताएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं और कौन कौन सी एंट्री किस वाउचर के अंदर की जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। ये हमारे टैली प्राइम के फुल कोर्स की 6th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में हमारे कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं और किस वाउचर में हम किस तरीके की एंट्री को, किस तरीके की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक प्रॉपर टैली प्राइम के बारे में नॉलेज दी जाएगी। तो आइए इस वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हम आपको क्रिएट फीचर और अल्टर फीचर के बारे में बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आपको ट्रांजेक्शन फीचर के अंदर वाउचर के बारे में बताएंगे। अब टैली प्राइम के अंदर वाउचर फीचर क्या होता है? तो अभी तक हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने सभी तरीके के मास्टर्स क्रिएट कर चुके हैं। हम टैली सॉफ्टवेयर को बता चुके हैं कि हम किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, कौन से हमारे गुड्स हैं, स्टॉक आइटम्स हैं, और हम टैली सॉफ्टवेयर को ये भी बता चुके हैं कि कौन से हमारे कस्टमर हैं, कौन से हमारे सप्लायर हैं। अब यहाँ पे एंट्री किस तरीके से की जाती है? तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप अपनी सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट या किसी भी तरीके की एंट्री को करना चाहते हैं तो वह वाउचर के अंदर करते हैं। वाउचर एक तरीके का एक इनवॉइस होता है, एक प्रिंट होता है जो एज ए प्रूफ के तौर पर रखा जाता है। यानी अगर आपने किसी से कोई सामान परचेज किया तो वह परचेज वाउचर के अंदर उसकी एंट्री करेंगे, और अगर आप किसी को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आप सेल वाउचर में करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करनी होगी, और अगर आप किसी से कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी। सेम इसी तरीके से अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग वाउचर्स को बनाया गया है, और आप इन सबको एज ए रिकॉर्ड के तौर पर प्रिंट करके अलग अलग फाइल्स के अंदर भी रख सकते हैं। यानी जो आपकी पेमेंट की एक अलग फाइल होगी जिसके अंदर आपके सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड होंगे, आपकी रिसिप्ट की एक अलग फाइल होगी जिसमें आपके सारे रिसिप्ट के रिकॉर्ड होंगे। अगर आप अपनी फाइल्स को मेंटेन नहीं भी करते तो आप टैली सॉफ्टवेयर में उन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से देख भी सकते हैं। तो अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो या तो आप ट्रांजेक्शन के अंदर इस वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की वी। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी ऑप्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक वर्ड हाईलाइटेड दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का शो का। जैसे अगर हम क्रिएट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सी हाईलाइटेड दिखता है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम अल्टर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ए हाईलाइटेड दिखता है। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको एच हाईलाइटेड दिखता है। सेम इसी तरीके से वाउचर में आपको एच, डे बुक के अंदर के। अब इस हाईलाइटेड फीचर का क्या यूज़ है? तो यह हमारी एक तरीके की शॉर्टकट की है। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर ना आते हुए नॉर्मल अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम वाउचर पे ओपन हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप के को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप डे बुक के अंदर आ जाएंगे। यानी ये एक तरीके की शॉर्टकट की है जिससे आप डायरेक्ट उस ऑप्शन पे ना आते हुए अपने कीबोर्ड की मदद से उस लेटर को प्रेस कर देंगे तो वो ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम वाउचर्स के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम वाउचर्स के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वाउचर शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर और अदर वाउचर्स। अब ये सारे वाउचर किस काम आते हैं? टैली प्राइम के अंदर अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए इससे भी ज़्यादा वाउचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम आपको सभी तरीके के वाउचर बताते हैं, कितने तरीके के वाउचर आपकी अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले एक एक करके इन सभी वाउचर को ओपन करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए अगर हम अपने बिजनेस के लिए किसी सामान को परचेज करते हैं तो हमें परचेज का एक बिल मिलता है, और उस बिल की हेल्प से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। यानी जब हम किसी से कोई सामान परचेज करते हैं तो हमें एक बिल रिसीव होता है, उस बिल की एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में करनी होती है, तो वो एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा परचेज का, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की होती है F9। जैसे आप अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज के वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम आपको पीछे से सभी वाउचर के बारे में बताएंगे, यानी सबसे पहले परचेज, सेल, जर्नल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा। तो सबसे पहला वाउचर है हमारा परचेज।
परचेस वाउचर की हमारी शॉर्टकट की होती है F9। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम परचेस वाउचर के अंदर आ चुके हैं। अब परचेस वाउचर के अंदर यहाँ पे किस तरीके से एंट्री की जाती है, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर होते हैं, वो सभी हम आपको आगे वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बेसिक सभी वाउचर के बारे में बताना है। तो परचेस से रिलेटेड सभी एंट्री हमारे परचेस के वाउचर में की जाती है। सेम इसी तरीके से हमने इसके अंदर परचेस की एंट्री कर ली। टैली सॉफ्टवेयर में हमारे गुड्स वगैरह, हमारी इन्वेंट्री वगैरह चढ़ चुकी है। अब इसके बाद हमें उस सामान को सेल करना होगा। तो अगर हम किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं तो सेल की एंट्री करने के बाद हमें उसको एक टैक्स इनवॉइस देना होता है। तो वो टैक्स इनवॉइस के लिए हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो वो एंट्री हम सेल के वाउचर में करेंगे। तो आप देखेंगे राइट साइड में आपको सेल का वाउचर आ रहा है, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F8। तो F8 की प्रेस करते हैं, वह सेल के वाउचर में आ जाएंगे। आप देखेंगे पार्टीज अकाउंट नेम में आपके सभी पार्टीज, कस्टमर, सप्लायर आ जाएंगे। तो ये सारी एंट्री हम आपको आने वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। अभी आप नॉर्मल समझिए कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे हमने सेल और परचेस दोनों वाउचर के बारे में समझ लिया। परचेस से रिलेटेड कोई भी बिल चढ़ाने के लिए हम परचेस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी कस्टमर को सामान सेल करने के लिए हम सेल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अब सेम इसी तरीके से अगर हमें कोई पैसा रिसीव होता है या हमें कोई पेमेंट करनी होती है, तो उसके लिए भी टैली सॉफ्टवेयर में अलग अलग वाउचर बनाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हमने कोई सामान परचेज किया, तो परचेज करने के बाद हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए ये एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक वाउचर दिख रहा है, पेमेंट वाउचर, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F5। F5 की प्रेस करते ही यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अकाउंट, तो पेमेंट के वाउचर में एंट्री किसे की जाती है, रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री कैसे होती है, सारा प्रोसेस आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो ये हमारा पेमेंट का वाउचर है। सेम इसी तरीके से अगर हमने कोई सामान सेल किया तो हमें कुछ पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव की एंट्री हम रिसिप्ट के वाउचर में करते हैं। तो उसी के नीचे आपको दिख जाएगा रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F6। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर आ चुके हैं। ये चार तो हमारे बिल्कुल बेसिक वाउचर हो गए, एक हमारा सेल वाउचर, परचेस वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। अब यहाँ पे आपको दो वाउचर और दिखेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर और उसके बाद जर्नल वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसके अंदर हमारा बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी एंट्री जिसके अंदर हमारा कैश और बैंक दोनों एक साथ आ रहे हैं। अगर हम बैंक से कोई कैश रिसीव करते हैं तो उसके अंदर हमारा बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रही है। ये सारी एंट्री हमारे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होती है। कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है, वो सभी आपको डिटेल के अंदर बताया जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसी कोई भी एंट्री जिसके अंदर आपका कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, यानी बैंक से पैसा निकल रहा है और कैश आपके पास आ रही है, या कैश आपके पास से जा रही है, बैंक में पैसा डल रहा है, दोनों चीज़ें आपकी एक साथ इन्वॉल्व हो रही है, तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होती है। सेम इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। अब यहाँ पे जर्नल वाउचर का क्या इस्तेमाल है, तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाया जाए, ऐसी कोई भी एंट्री जो बाकी सभी वाउचर्स के अंदर नहीं होती, उसको जर्नल वाउचर के अंदर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी एंट्री जो सेल के वाउचर में नहीं होती, परचेस के वाउचर में नहीं होती, रिसिप्ट के वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इन सभी में वो एंट्री नहीं आती, वो सभी एंट्री हम जर्नल वाउचर के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी एंट्री के अंदर एडजस्टमेंट करनी हो, किसी भी टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी हो, या GST से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री हो, वो बाकी सभी वाउचर्स के अंदर नहीं आती, तो उसको हम जर्नल वाउचर के अंदर करते हैं। ये भी हम आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि जर्नल वाउचर के अंदर हम कौन कौन सी एंट्रीज को कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको बेसिक नॉलेज, बिगनर्स लेवल की नॉलेज दी जाए, तो सभी वाउचर के बारे में हमने आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं। अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा है अदर वाउचर्स। तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F10। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ जाएगा, और जितने भी वाउचर अभी हमने आपको बताया वो सभी वाउचर आपको यहाँ पे शो भी हो जाएंगे, और उसके अलावा और भी वाउचर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने आपको सभी अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बताया, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेस वाउचर और सेल वाउचर। लेकिन यहाँ पे आपको दो वाउचर्स और दिख जाते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर क्या करते हैं, तो डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कोई सामान परचेज करते हैं और उस सामान को हमें रिटर्न करना हो, तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर के अंदर करते हैं। और अगर हमें किसी को कोई डिस्काउंट वगैरह गिवन करना हो, डिस्काउंट रिसीव करना हो, तो वो सब कुछ भी हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर करते हैं। यानी जितनी भी हमारे रिटर्न से रिलेटेड या डिस्काउंट प्रोवाइड या कमीशन प्रोवाइड से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, वो सारी हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर करते हैं।
अभी आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको सभी वाउचर का एक इंट्रो दे रहे हैं। इन वाउचर के अंदर एंट्रीज किस तरीके से की जाती है उसके लिए आपको हर एक वाउचर पे कंप्लीट प्रॉपर एक क्लास मिलेगी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर एंट्रीज करना काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ एक या दो बार एंट्रीज को समझना, उसके बाद आप काफ़ी आसानी से सभी एंट्रीज को खुद कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आपको इन्वेंट्री वाउचर आ जाएंगे, जिसमें फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल, ये भी अलग अलग तरीके के वाउचर आ जाते हैं। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए सिर्फ इतने ही वाउचर्स नहीं होते, इसके अलावा भी काफ़ी सारे वाउचर होते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा हुआ है शो इन एक्टिव, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी टैली सॉफ्टवेयर में वाउचर्स होते हैं, जितने इनएक्टिव है अभी हमने उसको एक्टिव नहीं किया, वो सब आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखेंगे काफ़ी सारे वाउचर हैं, जैसे मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्स जर्नल वाउचर, डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इनवर्ट वाउचर, रिजेक्शन आउटवर्ट वाउचर। सेम इसी तरीके से जॉब वर्क इनवर्ट ऑर्डर, जॉब वर्क आउटवर्ट ऑर्डर, सेंड परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर, ये काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के वाउचर्स। इसमें से काफ़ी सारे वाउचर्स एडवांस हैं, जिसके बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए हम आपको नॉर्मल 5 वाउचर के अंदर एंट्री करके दिखाएंगे, यानी जो हमारा परचेज का है, सेल का है, रिसिप्ट का है, पेमेंट का है और जर्नल का है। इन्हीं 5 वाउचर के अंदर आपको कुछ वीडियो के अंदर डिटेल में बताया जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कितने तरीके के वाउचर होते हैं और किस वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री की जाती है। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको वाउचर्स के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे और हर एक वाउचर के ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो आप टैली प्राइम के इस कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इन सभी वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखते हैं तो आप टैली प्राइम को कंप्लीट चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपके मोबाइल फोन में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkwebmedic.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500। 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे, जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलेस प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलेस होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500। 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।